राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरिडीह की ओर से रविवार को गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें हिंदू समाज के सभी वर्गों के प्रमुखों ने माथा टेककर गुरु को नमन किया। यह पहला मौका था जब संपूर्ण हिंदू समाज के लोगों ने गुरु तेग बहादुर के हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान पर नमन किया। मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा को गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष गुणवंत सिंह सलूजा ने सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। गुरु तेग बहादुर जी के 400वां प्रकाश पर्व पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सिख समाज के ऐसे हमारे अधिकारीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विचार परिवार के जैसे कार्यकर्ता बंधु, मैंने कुछ संक्षेप बातें आप सभी सुने। दुनिया में आज भी और एक बहुत बड़ी चर्चा होती है, बहुत सारे देश बने लेकिन काल के प्रवाह में अरवा मिट गया। कोई 200 वर्ष चला, कोई 400 वर्ष चला, कोई 1000 वर्ष चला, लेकिन यह भारत हमारा जो देश है, हमारी जो मातृभूमि है, या फिर हजारों हजारों वर्षों से यह जीवित की है। यदि इन सब चीजों को देखते हैं, इस देश को बचाने में हमारे देश के लोगों का बहुत बड़ा स्थान है। उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनका परिश्रम और उन्होंने समाज में बीच में रहकर काम किए, वह हमारे इस देश के रहने वाले हमारे लोगों ने आदिकाल से जिन्हें हम हिंदू धर्म में देखते हैं, उनके लिए हुए थे। और भगवान राम और वशिष्ठ के साथ जो संवाद होता है, ग्रंथ बनता है, इसको योग वशिष्ठ कहते हैं। आपको लाभ मिल पाए बलिहारी गुरु, आपने जिन्हें गोविंद देव बताया, भगवान का दर्शन कराने वाले इस देश में कौन रहे? हमारे ही देश के गुरु जिन्होंने गोविंद को बताया, जिन्होंने प्रभु के बारे में बताया, जिन्होंने हमारे देश में मुझे चलने के लिए और इसे सारी चीजों को सिखाया। और इसलिए कहते हैं कि भारत को गुरुओं का देश कहा जाता है। दुनिया में सफलता बहुत है, अमेरिका का वैभव को यदि देखें, यूरोपियन देशों को यदि हम देखें, उसके बड़े संस्थान हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े वहाँ एजुकेशन के बड़े बड़े सेंटर हैं, व्यापार के बड़े केंद्र हैं। सिकंदर जब इस देश में आया तो अपने वो उनके जो प्रमुख सेनापति थे उनसे मिलने के लिए गया, कहा कि मैं भारत का विश्व विजय करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तुम भारत को जीतने के लिए जा रहे हो? जीत तो नहीं सकोगे, लेकिन पांच चीजें वहां से जरूर ला रहे हो। वो पांच चीजें क्या था? भारत की गीता थी, भारत का ज्ञान था, भारत की गंगा का जल था, भारत का गौ था, और आखिर में उन्होंने कहा कि भारत से तुम गुरु जरूर ला रहे हो। उन्होंने पूछा ये गुरु क्या है, कौन होते हैं ये गुरु? उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए कि किस प्रकार से भारत को बचाने में और वहां की गुरु परंपरा जो रही है उसको इन गुरुओं ने ही बचाया है। हम सभी को मालूम है कि 15वीं शताब्दी में गुरु नानक जी ने पूरे देश में घूम घूम करके गुरु नानक जी ने समाज में जो है हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा आकर रीति रिवाज स्थापित होना चाहिए, और इसलिए गुरुवाणी के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से, और उन्होंने समाज में बहुत बड़ा आदर्श स्थापित करने का काम किया।